In more details now emerging out of Mumbai, the COVID-19 virus in 2021 is more powerful and damaging to our lungs, at least 40% more this time around. This time, many youngsters also needing remdesivir and oxygen, which was not the case in the previous wave. Doctors treating COVID-19 patients talk about how this time, the second wave, the new mutants, much more dangerous. In the second wave, the COVID-19 virus is rapidly attacking the lungs. This is a CT scan image of a regular patient. The other is an image of a COVID patient. Dr. Suhas Chaudhary, who has been treating COVID patients at hospitals, explains how powerful the virus is this time around. So, if we compare it to a normal CT scan, if you look at lung parenchyma, this whole black portion that is showing is a lung. Normally, this way, we see lung. And if we look at a COVID-affected patient, ये लंग पैरेन्काइमा जो है वो पूरी तरीके से आपको पैची दिखाई दे रहा है, वाइट दिखाई दे रहा है. इसको हम ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज बोलते हैं. और अभी जो केसेस मिल रहे हैं उसमें ये जो अफेक्शन है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज है या जो कोविड निमोनाइटिस है, वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव मात्रा में पाया जाता है. ये हम सिटी स्कोर डिसाइड करते हैं जिसमें 25 के ऊपर मार्क्स रहते हैं. जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा सिवियरिटी है. ये ऑलमोस्ट 23 to 24 out of 25 स्कोर है. ये काफी सीवियर केस है जिसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पेशेंट को. एक्सपर्ट्स एट मुंबई बिग हॉस्पिटल्स पॉइंट आउट दैट दिस टाइम द लंग्स आर 40% मोर अफेक्टेड. यंग पेशेंट्स लंग्स आर आल्सो गेटिंग डैमेज्ड एट अ फास्टर पेस दिस टाइम. दिस इज पुशिंग अप द डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रेमडेसिविर. ये जो रिसेंट ट्रेंड जो है ये सेकेंड वेव का, इसमें लंग्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पिछले वेव से ज्यादा है. लगभग 30 से 40% ज़्यादा है. पिछले साल जो ट्रेंड था लंग डैमेज का, उसमें डैमेज शुरू होता था 7वें दिन इन्फेक्शन शुरू होने से. मगर हम ये देख रहे हैं कि इस साल ये ट्रेंड ऐसा है कि लंग डैमेज 3रे या 4थे दिन से शुरू हो रहा है. लंग इन्फेक्शन जल्दी होने से और उसका स्प्रेड रैपिडली होने से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की ज़रूरत इन मरीजों में पिछले टाइम से ज़्यादा लग रही है. पहले हम ऐसे नोट करते थे कि बुजुर्ग लोग या जिनको बीपी, डायबिटीज, हार्ट के कंडीशन या किडनी के कंडीशन रहते थे, ऐसे लोगों में हमको सीवियर डिसीज दिखने को मिल रहा था. पर यही अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंग लोग भी आ रहे हैं जिनको सीवियर लंग डैमेज हो रहा है. तो अभी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा और कोई भी पेशेंट कभी भी सिक हो रहे हैं और काफ़ी ब्रेथलेस और उनका सीटी में सीवियरिटी भी काफ़ी नोट हो रहा है. यही वजह है कि इस बार ऑक्सीजन कंजम्पशन में भी और ये जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन हम दे रहे हैं इसकी यूटिलाइजेशन बहुत हो रही है, क्योंकि इन दोनों की यूज़ मेनली तो मॉडरेट और सीवियर केसेस में ज़्यादा रहता है और ये केसेस अभी देखने को काफ़ी मिल रहे हैं. Experts point out that the type of lung damage seen in a week in the previous wave is now visible on the third day of the infection. So, more care and monitoring is required for the people who are in home isolation, which is close to 7 lakh in Mumbai itself. In Mumbai, with Pooja Bhardwaj, Saurabh Gupta, NDTV.